से फातिहा बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिराtal लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यल्द वलम यकुल lahu कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यल्द वलम यulad वलम यकुल lahu कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद अल्लाहुम्मा बाअथ सवाबल फातिला रूहुल मुमिन अल मखसूस बिहक मुहम्मद वालिह ताहिर सलवात बावज़ बुलंद। माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मक्कियिल मदनियिल अरबी वल अजम। क़ीला फ़ी शानिही वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लज़ी जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुताहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैति वल हरम। वस्मुहु मरफ़ूअन मनक़ूशन मक्तूबन फ़िल लौहि बिल क़लम। अबिल क़ासिम मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अला अख़ियिही व वलियिही व वज़ीरिही व मुशीरिही व ख़लीफ़त मिन बअदिही व नासिर दीन अली इब्न अबी तालिब असदिल्लाहिल ग़ालिब गालिबन अला कुल्ल गालिब अमीरुल मुमिनीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदतित ताहिरतिल मुतहहरतित तक़ियतिन नक़ियतिल मुशर्रफतिल मुक़द्दसतिश शरीफतिन नबीला फातिमा तज़्ज़हरा सय्यदते निसाइल आलमीन। वाला उम्मिहा सिद्दीक़ते सय्यदती व मौलाती ख़दीजतल कुबरा ज़ौजत रसूलिल्लाह सलामुल्लाहि अलैहा व अला औलादिहिम अत्ताहिरीन अल मासूमीन। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलइन क़ुतिलतुम फ़ी सबीलिल्लाहि आमत्तुम लमग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रहमह ज़ालिका ख़ैरुम मिम्मा यज्मऊन। सलवात बावज़े बुलंद। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और अजीजों, इस आले सवाब की मजलिस है। आलम इस्लाम के तमाम सुन्नी शिया भाई बुजुर्ग अजीज तशरीफ फरमा है। कोशिश करूंगा कि जितने लम्हात आपको जहमत दी जाए इसी उन्वान से गुफ्तगू की जाए। मौत बर हक है, जो है मौत बरहक है। जो खुदा को नहीं मानते वो मौत को मानते हैं। हालांकि दस्तूर इलाही ये है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, महशर सजेगा, मीजान लगेगा, मीजान लगेगा, लोगों के आमाल को तोला जाएगा, फिर फैसला होगा किसका अंजाम क्या है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, महशर सजेगा, दीवान साहब मीजान लगेगा, लोगों के अमाल को तोला जाएगा, फिर फैसला होगा कि किसका अंजाम क्या है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक जिससे आप सवाल करोगे कि कोई अंजाम की खबर है तो जवाब यही मिलेगा, अस्सायु मिन्ना बल इहतिमाम मिनल्लाह। कोशिश करना हमारा काम था, फैसला उसके हाथ में है। जो है दोस्तों, कोशिश करना हमारा काम था, भाई फैसला उसके हाथ में है। सूरह आले इमरान की जिस आया मुकद्दसा की मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया है, इस आयत में कुछ खुशकिस्मत ऐसे हैं कि जिनका फैसला कयामत में होगा नहीं, अभी से हो चुका है। भाई तो वो जो चाहता हूं, जिनका फैसला महशर में नहीं होगा अभी से हो चुका है। और उसी फैसले का ऐलान ज़ाते वाजिब ने कुरान मुकद्दस की इस आया मुकद्दसा में फरमाया है। आप तवज्जो फरमाएंगे तो मैं आपकी झोलियों में ये तोहफा डालना चाहता हूं। अल्लाह कह रहा है वल इन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाह, अगर तुम कत्ल कर दिए जाओ अल्लाह की सबील के लिए, अगर तुम कत्ल कर दिए जाओ अल्लाह की सबील के लिए, आमतुम ये घर बैठे सुकून के माहौल में, पुरअमन वादी में, नरम नरम गद्दे पर तुम्हारे वजूद से तुम्हारी रूह खुद ब खुद निकल जाए, लेकिन शर्त यह है कि वक्त मौत तुम्हारा हाथ सबील के दामन में हो। मैं तवज्जो चाहता हूं, शर्त क्या है? बिस्मिल्लाह, कि वक्त मौत तुम्हारा हाथ सबील के दामन में हो तो तुम्हारा फैसला होगा नहीं। मैं अभी से ऐलान कर रहा हूं, अल्लाह लमग़फ़िरतुन मिनल्लाह। पहला फैसला यह है कि ऐसा मरने वाला जो कत्ल हो जाए अल्लाह की सबील के लिए या उसे घर बैठे मौत आ जाए, लेकिन शर्त यह है कि वक्त मौत उसका हाथ सबील के दामन में हो, तो मेरी तरफ से ये दो तोहफे हैं। एक सलवात पढ़िएगा बुलंद आवाज से, सारे मिलके और सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज से। तवज्जो है किबला, इंतहाई गौरतलब बात है। अल्लाह कह रहा है कि वक्त मौत तुम अगर कत्ल कर दिए जाओ तुम्हारा जाति कोई जुर्म ना हो, तुम्हारा जाति कोई कसूर ना हो, तुम्हारी जाति कोई खता ना हो जो तुम्हारे कत्ल का मुजिब बने, लेकिन ये खता तुम्हारी हो कि तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह की सबील से जुड़ता है, तुम्हारा सिलसिला अल्लाह की सबील के साथ जाके मिलता है। अगर कोई कातिल इस वजह से तुम्हें कत्ल कर दे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा फैसला अभी से अनाउंस कर रहा हूं, या तुम्हें घर बैठे खुद ब खुद मौत आ जाए, लेकिन शर्त यह है कि वक्त मौत तुम्हारा हाथ सबील के दामन में हो, तो तुम्हारी मगफरत भी पक्की, अल्लाह की रहमत भी पक्की। जाओ आलम इस्लाम के उलमा के सरों पे कुरान रख के पूछो कि जिसकी मगफरत का खुदा ऐलान कर दे उसको जन्नत से कौन रोक सकता है। जिस पर रहमत का अल्लाह ऐलान कर दे वो किसी का मोहताज कैसे हो सकता है। इसीलिए फरमाने रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपने फरमाया, ओ मेरा कलेमा पढ़ने वालों, एक बात याद रख लेना, जिस बंदे के दिल में मेरी और मेरे अहले बैत की मोहब्बत हुई, जिस फर्द के दिल में मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरी अहले बैत की विला हुई, वो ये सुन ले उसके रूह वजूद से निकलने से पहले शैन मिनल्लाह युद्रिका नहीं, अभी रूह गजनफर निकलता नहीं है कि अल्लाह की तरफ से दो तोहफे मिलते हैं उस मरने वाले को। साहबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो दो तोहफे हैं क्या? वो दो तोहफे हैं क्या जो मरने वाले को रूह निकलने से पहले अल्लाह की तरफ से मिलते हैं। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बारे में मैंने कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा, ये ऐसा नबी है जिसके मुंह में खुदा की जबान है, ये ऐसा नबी है जिसके मुंह में खुदा की जबान है, ये वही बोलता है जो अल्लाह का अम्र होता है। तो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शर्त यह है कि दिल में मेरी और मेरे अहले बैत की मोहब्बत हो, शैन मिनल्लाह युद्रिका नहीं, मरने से पहले अल्लाह की तरफ से उसे दो तोहफे मिलते हैं, बशारतुल्लाह व जियारतुल्लाह। तवज्जो, बशारतुल्लाह व जियारतुल्लाह, एक अल्लाह की तरफ से बशारत, एक अल्लाह की जियारत। भाई मैं कुलखानी पे आया, आप तशरीफ लाए और हमें आपकी जियारत का शर्फ हासिल हो गया। यानी जियारत का मतलब ये होता है कि बिल मुशाफा किसी को देखना। तवज्जो फरमा रहे हैं, उस देखने में बंदा बोले तो अच्छी बात है, ना बोले तो खामोशी में भी जियारत हो ही जाती है। सलवात पढ़ने वाला आवाज से। अब अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, कोई आम फर्द तो नहीं फरमा रहा, कोई आम शख्स तो नहीं कह रहा। अब रास्ते दो हैं कि या तो जिस्म वाला अल्लाह तलाश किया जाए, या ऐसे जिस्म तलाश किए जाए जिनका देखना खुदा कहे ये मेरा देखना है। भाई कुरान पाक याद रखिएगा सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आया, कुरान पढ़ना सवाब है लेकिन निजात कुरान के समझने में है। इसलिए सूरह मरियम और सूरह मोहम्मद दो मकामात पर अल्लाह ने अपने इंसानों से, मखलूक से कहा, अफला यतदब्बरून अल-कुरान, लोगों तुम कुरान पे तदब्बर क्यों नहीं करते, तुम कुरान को समझते क्यों नहीं, तुम कुरान पे गौर क्यों नहीं करते। अम अला कुलूबिन अक्फालुहा, क्या तुम्हारे दिलों पे कुफल लग गए हैं ताले कि तुम्हें दुनिया की हर शय समझ आती है, तुम्हें कुरान समझ में क्यों नहीं आता। याद रखिएगा दोस्ताने गिरामी, मेरे सुन्नी शिया भाइयों दोस्तों, कुरान उस वक्त तक समझ नहीं आएगा जब तक अल्लाह के बताए हुए तरीकों से कुरान को समझने की कोशिश नहीं की जाएगी। कुरान पाक को पढ़िए, ला यालम तावीलहू इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म। आज हर बंदा कहता है कुरान पे अमल करो, कुरान पे अमल करो, लेकिन हकीकत यह है ऐसा कहने वाला कोई शख्स भी कुरान पे अमल कर नहीं रहा। वजह पूछिएगा, वजह क्या है? वजह यह है कि कुरान पे अमल किया जाता तो कुरान वाले घर से पूछा जाता। हाँ, अलबत्ता कुरान के तर्जुमों पे अमल हो रहा है, लेकिन याद रखिएगा कुरान जिसका भी हो तर्जमा करने वाले के नजरिए की आमेजश उसमें शामिल जरूर रहती है। कोई भी तर्जमा करने वाला सुन्नी हो या शिया हो, जब वो तर्जमा करेगा तो उसमें उसके अकीदे और नजरिए की आमेजश जरूर शामिल होगी। इसलिए मेरे नबी ने कहा था, अल्लाह ने कहा था, ला यालम तावीलहू इल्लल्लाह। तर्जमा और बात है, तावील और बात है। तावील से मुराद ये है कि ये कहने का मकसद इलाही क्या था, अल्लाह इस बात से कहना क्या चाहता था। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के इरादों को कौन समझेगा? इसलिए हदीस कुदसी है, अल इमाम बकरन बिरादतिल्लाह, इमाम अल्लाह के इरादों का तर्जमान होता है। यानी अगर तुम्हें खुदा का इरादा समझना है, बंदे के बनाए हुए नहीं, अल्लाह के बनाए हुए इमाम से राब्ता करोगे तो तुम्हें वो बताएगा कि कुरान चाहता क्या है, कुरान कहता क्या है, मशीयत तौहीद क्या है, अल्लाह का इरादा क्या है। तो अल्लाह का इरादा बमा तशाऊना इल्ला अयशा अल्लाह कहकर अल्लाह ने इस खानदान को मुशख्खस कर दिया कि सुनो, ये घराना वही चाहता है जो मैं खुदा चाहता हूँ, ये खानवादा वही चाहता है जो मैं खुदा चाहता हूँ। इसलिए दोस्ताने करामी, अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी मुबारक में कभी नहीं कहा कि अली, ये हसन हुसैन, तुम फला साहबी की इताअत करो, फला की इत्तिबा करो। ना, कुरान पढ़िएगा, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम जमीआ। अल्लाह कहता है कि अगर तुम्हारा खुदा से मोहब्बत का दावा है तो उसकी दलील ये है, हबीब इनसे कह दो, खुदा से मोहब्बत का सबूत ये दो, फत्तबऊनी, मुझ मोहम्मद की इत्तिबा करो, युहब्बुकुमुल्लाह। इत्तिबाए मुस्तफ़ा में वो लुत्फ है कि खुदा बंदे से मोहब्बत करेगा, यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम जमीआ, और इताअते मुस्तफ़ा में कमाल ये है कि तुम्हारे दामन जितने गुनाहों से लिपटे हुए क्यों न हो, यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम जमीआ कह के अल्लाह ने सारे गुनाहों की माफी का ऐलान फरमा दिया। सलवात पढ़िएगा बुलंद आवाज से। तवज्जो चाहता हूं दोस्तान, क्योंकि माहौल कोशिश कर रहा हूं कि बात आपके अज़हान मुबारक तक पहुंचाई जाए। सब गुनाह माफ, सब गुनाह, लेकिन याद रखिएगा एक गुनाह ऐसा है जिसके माफ करने का अल्लाह ने अपने हबीब को भी हक नहीं दिया। एक गुनाह ऐसा है जिसके माफ करने का खुदा ने अपने हबीब को भी हक, वो क्या गुनाह है? बढ़िया सूरह अत-तौबा। अल्लाह मेरे हबीब सुन, तू जिस गुनाहगार के लिए हाथ उठाएगा मैं उसको माफ कर दूंगा, लेकिन जिसने तेरी तौहीन की ना, भाई खुदा के लिए जागे, जिसने तेरी तौहीन की उसे मैं माफ अस्तगफिर लहुम अम लम तस्तगफिर लहुम, हबीब तुझे माफ कर या ना कर, तू 70 मर्तबा भी माफी दे दे, मैं नहीं माफ करने वाला। तू 70 मर्तबा भी माफ कर दे, मैं उसको माफी देने वाला नहीं हूं। खान साहबान और सादात बुजुर्गान, बदकिस्मती ये है दो लोग माशरे की इस्लाह का भी मुजिब हैं और बिगाड़ का भी मुजिब है। दो लोग माशरे की इस्लाह का भी मुजिब और बिगाड़ का भी मुझे। या रसूल अल्लाह कौन? फरमाया अल उलमा वर रुअसा, आलिम और रईस। जो चाहता हूं भाई, आलिम और रईस ये माशरे को बिगाड़ते भी हैं और उसकी इस्लाह भी करते हैं। और हमारे मुल्क में इस वक्त बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह यह है कि जिनको इस्लाह करनी चाहिए वो इस्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं है। भाई बाप अगर बेटों में के मामले में जानिबदार हो जाए तो वो बाप कहलाने का हक नहीं रखता। यानी मुआशरे में एक ऐसी ताकत होती है जिसे पूरा मुआशरा बाप की हैसियत से देखता है। अगर वो एक बेटे की गलती की गिरफ्त करे और दूसरे को नजरअंदाज कर दे तो फिर बेटों में बगावत फैल जाती है कि ये बाप नहीं रहा, ये जानिबदार हो गया। हमारे मुल्क में मुसीबत यही है कि जो जानिबदार नहीं रहने चाहिए थे वो हो गए। उसका नतीजा ये निकला कि पूरा मुल्क इस वक्त बिगाड़ का शिकार हो गया। अगर आप दीन के मामले को देखें गनू साहब, तो जिनका काम था बगैर किसी लगी लिपटी के पैगाम दीन पहुंचाना, इसलिए तो इरशाद हुआ इजा सलहल आलिम सलहल आलम व इजा फसदल आलिम फसदल आलम। अगर आलिम साले बन गया तो पूरा आलम सुधर जाएगा, और अगर आलिम फसादी हो गया तो पूरा मुआशरा फसादी हो जाएगा। क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? मजहब के नाम पे खिलवाड़, सियासत के नाम पे खिलवाड़, बादशाहत के नाम पे खिलवाड़, चौधराट के नाम पे खिलवाड़। क्या इस तरह कौमें जिंदा रह सकती हैं? क्या इस तरह मुआशरे चल सकते हैं? बाबा नहीं चल सकते। करने की कोशिश करो कि जिनके अख्तियार में सब कुछ है। आज एक 2 टके का बंदा उठता है जिसको तहारत का पता ना हो और वो किसी की जान ले लेता और कह देता है जी उसने मजहब की तौहीन की है। अरे जो मजहब के मालिकों की तौहीन करते रहे उनकी गिरफ्तारी का वक्त कब आएगा? इससे बड़ी बदकिस्मती ये हो क्या होगी कि लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन्होंने गुस्ताखी का दरवाजा खोला, जिन्हें तौहीन का दरवाजा खोला, उनसे सर्फ नजर, और जो उसका तस्करा बयान कर दे वो काबिल गिरफ्त। याद रखिएगा, अल्लाह ने इसलिए अपने बंदों से आले मोहम्मद के साथ मोहब्बत नहीं मांगी क्योंकि इंसानी मोहब्बत का पैमाना और मेयार ये है, ये गिर जाए तो कुत्तों को चूमना शुरू कर देता है। इंसान की मेयार मोहब्बत इंतहाई पस्त, इंतहाई घटिया है। गिर जाए तो कुत्तों को बिस्तरे में सुलाता है, गिर जाए तो बाप की खबर नहीं लेता। जो चाहता हूं दोस्तान घराने, इसलिए अल्लाह ने अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए मोहब्बत नहीं मांगी। कुरान पढ़ने सवाब में फिर कह रहा हूँ, कभी समझा करो, कभी गौर कर लिया करो, कभी फिक्र कर लिया करो। अल्लाह ने आले मोहम्मद की मवद्दत मांगने से पहले कुछ दिया, कुछ दिया, अपनी तरफ से इनाम दिया, इकराम किया। पढ़िए कुरान सूरह शूरा, खुदा की अजमत की कसम। मुझे बताइए आप इंसाफ से, ऐलान रिसालत से पहले क्या पोजीशन थी लोगों की? ऐलान रिसालत से पहले क्या हालत थी लोगों की? मैं कुछ नहीं कह सकता। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनका इरशाद बुखारी शरीफ में बीबी ने फरमाया, लम शबेना तमरतन इल्ला बिफतहिल खैबर, खैबर के फतह होने से पहले हमने जिंदगी में कभी जी भर के खजूर भी नहीं खाई थी। हमने कभी जी भर के खजूर भी नहीं खाया था। इल्ला बिफतहिल खैबर, हाँ मगर फतह खैबर के बाद। यानी अली की तलवार में वो जोश था कि जिसको खजूर मक्के मदीने में रह के भी दस्तियाब ना हुई, वो उसने जी भर के खा ली। जो चाहता हूं दोस्तों ने करा, उस नबी को परेशानी तो यहीं से लाख हो जाती है कि नारा हो तौहीन रिसालत का और दिल पे हुक्मरानी हो गुस्ताखान रिसालत की। ये मुनाफिक और क्या है? मैं आके लंगा खानदान खुदा को सलामत रखे, इनके अजीज बुजुर्ग मेरे मोहतरम जुल्फकार अली खान अल्लाह मकामहू की कुलखानी पर मैं मकतबे तशय्यो का जिम्मेदार होने की हैसियत से आप तक ऐलान पहुंचा रहा हूं कि हम उसको शिया मानते ही नहीं जो तौहीने अहले बैत के सहाबा की करता हो, सहाबा करता हो, हम उसको शिया मानते ही। कन्नू साहब मेरी बात लिख लो और मुझे कहोगे तो मैं अपने लेटर पैड पे अपने साइन करके दूंगा कि जो सहाबा की तौहीन करता हो हम उसे शिया नहीं मानते। लेकिन जिनको नबी ने सहाबी न बनाया हो, तुम घसीट के होके सहाबा की लिस्ट में शामिल करके सहाबा की तौहीन का रास्ता तो खुद खोल रहे हो। भाई जब फातेह कोई होता है, ये दस्तूर है जंग, जब कोई फातेह होता है तो मफतू की हर शय शर्म उस पर जायज होती है। क्या उसका माल, क्या उसकी जान, क्या उसकी औलाद, क्या उसके बेटे, क्या उसकी बेटियां? ये कानून पहले से ज़हनों में रख लो। यानी फातेह पर मफ्तू की हर शय हलाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातेह बन के मक्का में दाखिल हुए और मक्का के जितने लोग थे उनका माल, उनकी जान, उनकी औलाद, हर शय मेरे नबी पर जायज हलाल। चाहे तो मर्दों को गुलाम बनाए, चाहे तो औरतों को लौंडियां बनाए। भाई तवज्जो चाहता हूं, लेकिन मेरे नबी ने ऐसे लोगों को न गुलाम बनाया न कनीजे बनाया। कच्चा हमने तुम्हारी तमाम गुस्ताखियों से सरफे नजर कर लिया, लेकिन आज के बाद तुम खुद को साहबी नहीं कहलाओगे, तुम तुलका हो। तुम कौन हो? तुलका। तुलका तलाक से निकला, यानी जिसे छोड़ दिया जाए, जिस पर कोई गिरफ्त ना की जाए। गिरफ्त ना करना उनकी फजीलत नहीं, ना करने वाले का कमाल है। भाई अगर अल्लाह हमारे गुनाहों की गिरफ्त नहीं करता तो क्या इसमें कोई हमारी फजीलत है? उसके लुत्फ का कमाल है। वो अपने हबीब से कह चुका है, ला युअज़्ज़िबुहुम वअंत फ़ीहिम, मेरे हबीब तेरा एहतराम इतना है वादत के नज़दीक, तू जब तक उम्मत में मौजूद है हम ये जो कुछ करते रहे हम इन पे अजाब नहीं भेजेंगे। तो उसमें बंदे का कमाल नहीं, उस साथ के कर्म का कमाल है। तो खुदा के लिए इस बात को महसूस करो, जब हर चीज को गड़बड़ कर दोगे तो फिर मुश्किल पैदा हो जाएगी। और इसी मुश्किल के हालात आपके सामने मुल्क पाकिस्तान किसी से ढका छुपा नहीं है। जिनकी जिम्मेदारी है वो तमाशाई बने हुए, और जिनका काम करना था वो पार्टी बने हुए हैं। नतीजा ये है कि हम अल्लाह ना करे तबाही की तरफ जा रहे हैं। खुदा के लिए दीन के साथ भी यही मजाक हुआ, जिसके पीछे चलना था उसको छोड़ दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो तो सही। आप बुजुर्गान सामने बैठे हो तो आपको तो बोलना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। हम बोलते लोगों में बोलते हैं, बंदा थोड़ी देर के लिए चुप और चुप ही रह जाए तो सामने वाला भी परेशान होता है कि खैर है ये चुप क्यों है। सलवात पढ़ो बुलंद आवाज से, भाई खुदा के लिए जागरूक इत्तेबा मुस्तफा। किसकी इत्तेबा? आप पर भी वाजिब, मुझ पर भी वाजिब, अहले बैत पर भी वाजिब, असहाब पे भी वाजिब। भाई तवज्जो है या नहीं? अब उम्मी तौर पे दस्तूर तो ये चाहिए था, मुत्तबईन और गैर मुत्तबईन को दो दर्जों में बांट दिया जाता। ये रसूल के पीछे चला और ये अपनी मर्जी से चला। सुबह की नमाज कितनी रखता है? बोलो दो। मर्जी से अल्लाह से प्यार ज्यादा, तीन कर लें। पढ़ी तो नमाज ही है, पढ़ी तो नमाज ही है। कहा नहीं, जो खत मेरे नबी ने दिया था, चूंकि तू उससे हट के आ गया, भले तू मेरी तरफ आया, इसलिए मैं तुझे कबूल ही नहीं करता, इसलिए मैं तुझे कबूल ही। अरे भैया, जब अल्लाह की बारगाह में रसूल के बगैर नमाज कबूल नहीं होती तो फिर दीन का दीन सारा कबूल कैसे हो सकता? अपने अहले सुन्नत भाइयों को पैगाम पहुंचाना है। बोले तो नहीं, गुर्बत का आलम था, और इसलिए मौला अली अलैहिस्सलाम का इरशाद है, दौलत में दो खसूसियात है, शराफा के पास बढ़ जाए तो उनकी शराफत बढ़ जाती है। मैं तवज्जो चाहता हूं, दौलत शराफा के पास बढ़ जाए उनकी शराफत बढ़ जाती है, और कमीने लोगों के पास बढ़ जाए तो उनकी कमीनगी में इजाफा हो जाता है। इसलिए दौलत को मेयार न समझना, इंसान का मेयार उसकी शराफत है, इंसान का मेयार उसका कैरेक्टर है, इंसान का मेयार उसकी तवज्जो किरदार है, इंसान का मेयार ये नहीं कि 100 बंदों का खाना पकवाना है। मेयार ये है कि खा के जिंदा रहता है या खिला के जिंदा रहता है। तो जो चाहता हूं इंसानियत का मेयार उसके दरगुजर से, उसके आफ से, उसके माफ करने से। तो जो चाहता हूं, इसलिए जब लोगों के पास दौलत आ गई फिर औकात भूल गए। तवज्जो, इसलिए बारगाह रिसालत में आके सरकार इतनी हो गई मेहनतें आपको करते करते आपने हमें कुफ्र से निकाला, फलां किया। हम चाहते हैं हमसे कुछ मांग लो। बंदा खुदा के बंदे को क्या देगा? गुलाम मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा को क्या देगा? नबी ने जवाबन कहा, वमा अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा मामला मेरे खुदा के सब्र, तुम जाओ। तवज्जो चाहता हूं भाई अकरम साहब, 2 साल तक मुसलसल यही तकाजा। अब अल्लाह ने कहा कि बंदे रुकते नहीं है। कुरान की आयत भेज दी, हबीब इनसे कह दो अगर मुझे अजरे रिसालत देना चाहते हो तो उसके नतीजे में हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, काम एक है जिसकी पहले मैं बशारत दे रहा हूं, तुम कर गए तो जन्नत तुम्हारी। एक की तरफ युबशरुल्लाह। काम बात एक है जिसकी अल्लाह बशारत देता है इबादहुल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात, उन बंदों को जो साहिब ईमान है और साले अमल करते हैं। हबीब कहते हैं यहाँ कुल में भी तवक्कुफ है, यानी अगर ये पूछते हैं तो बोलिए, आइए दीवान साहब आइए सलावत पढ़िए बुलंद आवाज से। अरे मियाँ सलावत बुलंद आवाज से पढ़ लें सवाब। बात एक है, जिसकी पहले मैं आइए किबला आ गया बशारत दे रहा हूं अपने साले। हबीब ये पूछे तो बताइए, वरना बिन पूछे हम बात करके अपनी अहमियत कम करने के लिए आमादा ही नहीं। हबीब कह दीजिए ला असअलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। भाई तवज्जो चाहता हूं, हबीब इनसे कह दो मैं आजरे रिसालत में तुमसे कुछ नहीं मांगता, मेरे कुर्बा से मवद्दत करो। किसे? अरे मियां रसूल अल्लाह के जो भी कुर्बा है हमारे बताने पे यकीन नहीं है तो खुद ही बता लो, लेकिन उनसे मोहब्बत का नहीं मवद्दत का हुक्म है। जहां मोहब्बत कुर्बान की जाए वहीं से मवद्दत शुरू होती है। तुम्हारा इम्तिहान ये होगा कि तुम्हें माल से मोहब्बत है तो उन पे कुर्बान कर दो, अल्लाह से मोहब्बत है तो उन पे कुर्बान कर दो, जागीर से मोहब्बत है उनके नाम पे उड़ा दो, फिर पता चलेगा कि तुम मोहब्बत के दामन में रहते हो या मबद्दत में दाखिल हो चुके हो। बात खत्म हो गई ना। बदकिस्मती ये है कि जहां जहां आले मोहम्मद की बात आए और मैंने बात को हटा दिया। मैं कैसे वमन यकतरफ हसनतन, अल्लाह कह रहा है ओ मेरे हबीब इनको कह दो इस घराने को जिसकी मवद्दत का मैंने हुक्म दिया है, मन यकतरफ हसनतन, जो इनसे एक नेकी करेगा नज़द लहू फीहा हुस्ना, मैं उनमें ज्यादती कर दूंगा। कितनी ज्यादती? जो बशरियत में समझ नहीं आई, जिसे खुदा ज्यादा करे उसे कौन महदूद कर सकेगा। नज़द लहू फीहा हुस्ना, हम नेकियों में इजाफा करें, सिर्फ इजाफा। पढ़ो कुरान, इन्नल्लाह गफूरुन शकूर, फरमाया तू इस घराने की इज्जत करके मर तो सही, मैं तेरे गुनाहों की तख्ती को साफ न करूं तो खुदा ही नहीं। और आगे लफ्ज़ है शुक्र, कौन कह रहा है? बोलो अल्लाह। किसे कह रहा है? अपने बंदों को, उम्मत को। शुकुर फरमाया दुनिया में तुम्हारे गुनाह माफ करूंगा और वादा करता हूं जब आदम से लेकर कयामत तक पूरी महशर इकट्ठी होगी, उस वक्त पूरी महशर के सामने मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। बंदे मैं खुदा तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, तुम मोहम्मद के खानदान से मोहब्बत करके आ गए हो। मेरा आधा समझता है पढ़े लिखे लोगों से क्या तकाज़ा मोहब्बत यही है। ये बच्चा है अमीर स्टेज सेक्रेटरी है, अगर एक मेंबर पे हमारा नाम एहतराम के साथ ना ले तो हम अगली मरतबा बानी से कहते हैं मजलिस पढ़ूंगा लेकिन आपका स्टेज सेक्रेटरी वो नहीं होना चाहिए। क्यों? उसमें तो अदब ही नहीं है नाम लेने का। मैं दस बस्ते इल्तमास करती हूँ कि जब नबी का नाम लेते हुए जिस नॉन स्टॉप अंदाज से तुम हजूर पे दरूद पढ़ते हो, क्या तकाज़ा मोहब्बत यही है? मोहब्बत है तुम्हारा इस अंदाज का नबी पे दरूद भेजना, तुम्हारे अंदर का खुद अक्कास है कि तुम नबी से कितना प्यार करते हो। और जिसका नबी के साथ भी प्यार खालिस ना हो उसे क्या शिकवा कि उसने अहले बैत से मोहब्बत क्यों नहीं की। सलवात पढ़िएगा बुलंद आवाज से। बस दोस्तों मैं खत्म कर रहा हूं अपने बयान को, आपकी जहमतों को तमाम कर रहा हूं। इसलिए किबला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो मुकद्दस जात है जिसका हम सर बराबर ना अल्लाह की कायनात में कोई था, न है, ना होगा। तवज्जो चाहता हूं, ना कोई था, ना है, ना होगा। अल्लाह अकबर। बड़ी बड़ी सिफात लिख लिख के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमानों ने किताबों को क्या कर दिया, लेकिन कभी गौर नहीं किया कि हम लिख क्या रहे हैं। तवज्जो चाहता हूं और बयान खत्म कर रहा हूं। अच्छा जी, सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। अच्छा कि आपने मुझे बता दिया, फिर मुनासिब नहीं होता, फिर माहौल को बहुत खूब। सलाम भाई, तवज्जो चाहता हूं। किबला हजारों खुसूसियात लिखी सुन्नी शिया उलमा ने जाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मैं दो तीन में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। पहली खुसूसियत, अगर किसी की कामत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी होती थी भाई खुर्शीद खान, तो ये कत्ल घर तक बड़ा रहता। जो इरादा करता कि मैं बारगाह मुस्तफी में जा रहा हूं, उसका कद छोटा होना शुरू हो जाता। आप मुतवज्जे नहीं है। अगर किसी का कद मेरे मुस्तफा के कद से बड़ा होता तो ये घर तक रहता, जो ही नबी की बारगाह में जाने का इरादा करता कद छोटा होना शुरू हो जाता। परवरदिगार ये क्या, कांसारी मेरी गैरत को गवारा ही नहीं कि किसी का इतना सा कद भी मेरे मुस्तफा के कद से बड़ा हो। आप सो रहे हैं, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। मेरी गैरत को बर्दाश्त नहीं कि किसी का इतना सा कद भी मेरे मोहम्मद के कद से बड़ा हो। ये अलग बात है कि मोहम्मद खुद किसी को कंधों पे बिठा के उसका कद ऊंचा कर दे। दूसरा, सलामत रहो नूर रिसालत। परेशान तो नहीं हो रहे? नूर किसे कहते हैं? कोई पढ़ा लिखा बोलेगा नूर किसे कहते हैं? जब भी लफ्ज नूर की बात आती है लोगों के दिलों में तफस्सुर पैदा होता है कि नूर से मुराद उजाला, नूर से मुराद रोशनी। ये तसव्वुर की हद तक तो ठीक है, हकीकत में ये दुरुस्त नहीं है। एक सलवात पढ़ो बुलंद आवाज से। एक और सलवात पढ़ने बुलंद आवाज से। माशाल्लाह दीवान इकबाल खान साहब तशरीफ लाए। आइए किबला, आपके बहुत पसंदीदा गुफ्तगू में करना चाह रहा था कि आप पहुंच भी गए। अल्लाह अकबर या रसूल। नया तवज्जो चाहता हूं। नूर यानी उजाला यानी रोशनी, तो नूर तो बल्ब भी दे रहा है, तो क्या इसे मुस्तफा की जगह पे मान लोगे? नहीं, क्यों? बिजली है तो है। अच्छा से आगे बढ़िए, सूरज में भी नूर है, तो क्या सूरज को मोहम्मद की जगह दे दोगे? भाई नहीं देंगे। क्यों? ये कभी तलू होता है तो कभी डूब जाता है। भाई चांद को मान लोगे? कहा नहीं, उसकी तो रोशनी अपनी है ही नहीं, वो सूरज से लेता है और रात को देता है। खुदा के लिए जागने की कोशिश करना। मेरे नबी ने नूर की वजाहत की। बैठे मस्जिद में एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह नमाज में देर हो जाती है, घर दूर है, रास्ते में अंधेरा हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक को उसकी आसा पे फेर दिया। क्यों ही बाहर निकला, आसा से नूर निकलना शुरू हो गया। और अपने घर दूसरे दिन चला तो पीछे एक और साथी आ रहा था। उसने सोचा ये तो घर इसका पहले है, पहले चला जाएगा, तो क्या मैं अंधेरे में चला जाऊंगा। उसने और कुछ नहीं किया, उसने अपना आशा उसके आशा से मस कर लिया। मैं तवज्जो चाहता हूं, अपना आशा तो नतीजा ये निकला जो इस खानदान के साथ मरबूत हो जाए नूर वही चला जाता है। वजह है मुस्तफा के बाद मोहम्मद के बाद मोहम्मद को ही मानते हैं। तवज्जो, मोहम्मद के बाद मोहम्मद को मानते हैं, मोहम्मद के बाद मोहम्मद को मानते हैं, मोहम्मद के बाद मोहम्मद को मानते हैं, मोहम्मद के बाद मोहम्मद को मानते हैं। इसलिए जो आ गए वो भी मोहम्मद थे, जिसने आना है वो भी मोहम्मद है। दूसरा अहले तशरीह तो वाकई में हर घर में हदीस की साखी तिलावत होती है और मस्जिद में हर शब जुमा होती है। या अम्मा इन्नी अशुम्मु इंदक राइहतन तय्यबा, अम्मा मैं आपके पास नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं। अहले सुन्नत अहले तशरीह उलमा ने लिखा नूर भी था और वो तो उम्महातुल मोमिनीन ने यहां तक लिखा, इतना नूर होता था जाते मुस्तफ़ा वजूद मुस्तफ़ा में कि दिन में गुम होने वाली सुई हम रात को उनके नूर के साए में देख लेते थे। नूर और खुशबू, नूर और खुशबू का ये मेयार था। और अहले सुन्नत उलमा ने लिखा कि जिस गली से अल्लाह का नबी गुजरता था घंटों उस गली से खुशबू रिसालत जाती नहीं थी। लेकिन मकतब रिवायत के उलमा ने लिखा बात यूं नहीं है, जिस गली से मुस्तफ़ा गुजरता था खुशबू उस गली में अपना घर बना लेती थी। अल्लाह आपको सलाम। दो चीजें इंतहाई, नूर और खुशबू। नूर और इसका मतलब यह है कि कोई बंदा किसी बंदे को मोहम्मद बन के ब्लैकमेल नहीं कर सकता था। यार खुदा के लिए जागना, कोई बंदा किसी बंदे को ये धोखा नहीं दे सकता कि मैं मोहम्मद हूं। क्यों? नूर भी था, खुशबू भी थी। नूर इतना था भाई, तवज्जो चाहता हूं, खुशबू का क्या मेयार था, पहचान थी खुशबू की। आप तो सारे खुशबू लगाने वाले लोग तशरीफ फरमा हो, आप दूसरे के कपड़ों से खुशबू का अंदाजा लगा लेते हो किसने कौन सा परफ्यूम लगाया है। इंतहाई गौर कीजिएगा, नूर और खुशबू। भाई मेरा सवाल है आलम इस्लाम से 10 बस्ता शब हिजरत बिस्तर रिसालत पे कोई सो रहा था। यार खुदा के लिए जागने की कोशिश कर। मेरे सामने ज्यादातर खामोश बैठकर इबादत को अहमियत देने वाले खामोश बुजुर्गान तशरीफ फरमा है। मैं इसलिए इससे भी फायदा नहीं उठा सकता कि आप मेरे साथ बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी बात कहां तक पहुंच गई। मैं खुदा के लिए जागने की कोशिश करना, बिस्तर रिसालत पे सो रहा था कोई। अगर उसमें वो खुसूसियत नहीं थी तो ये 40 काफिर के शौक में सारी रात तलवारें लेके खड़े गए कि सुबह होगी तो मोहम्मद को कत्ल करेंगे, सुबह होगी तो मोहम्मद को कत्ल करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो बिस्तर रिसालत पे सो रहा था उसकी खुशबू भी मोहम्मद वाली थी, उसका नूर भी मोहम्मद वाला था। नूर भी मोहम्मद वाला, खुशबू भी मोहम्मद वाली। आप जब मौलवी साहब कहे कि मोहम्मद मुझ जैसा, तो उसे सवाल कर रहा हूं कि तू किस मिट्टी से बना है? मैं पूछा जा सकता तू किस चीज से बना? भाई सवाल यह है कि खाक थी तो आदम बने। बहुत अच्छे, खाक थी तो आदम बने, नूर था तो नूरी मखलूक बनी, आग थी तो जिन्नात बने। मेरी तरफ तवज्जो रखिए, खत्म कर रहा हूं आपकी जहमतों को। खुदा के लिए जागने की कोशिश कीजिएगा, बेगौर तो करो। और जिससे भी पूछोगे शर्त यह कि मौलवी दो लफ्ज पढ़ा हुआ हो। मौलवी दो लफ्ज, जब उसे आप पूछेंगे कि तू किससे बना है, आगे कहेगा मिट्टी से, उसे पूछना कि मोहम्मद किससे बना है। भाई तेरे माइक को क्या मसला है? ये भी कोई मुझे दुश्मन रसूल नजर आ रहा है। सलवात पढ़ लें बुलंद आवाज़ से, तवज्जो है। बेगौर कीजिएगा, मौलवी जी किससे बने हो? मिट्टी से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे बना? नूर से। सवाल ये पैदा होता है कि नूर से तो बने, किसके नूर से बने? किसके नूर? भाई सोने का रंग कौन सा होता है? पीला। उसे जब ज़ेर बने तो उनका रंग नीला होता है। बोलो सब लोग, कौन सा होता है? पीला। अरे भाई ये पीला क्यों है? कहोगे मौलाना अक्ल की बात करो, सोने से बनाया, जैसा सोने का रंग वैसा उसका रंग। खुदा की अजमत की कसम, जब कोई कम ज़र्फ कहता है मोहम्मद मुझ जैसा, हमारे पास तो लफ्ज़ ही नहीं कि हम क्या कहें मोहम्मद किस जैसा। भाई तवज्जो है, हमारे पास तो लफ्ज़े ही नहीं है, हम तो कह ही नहीं सकते वो किससे बना है, किस जैसा है। क्यों? अगर उस जैसा कह दें तो मकाम अब्दियत पे हर्फ आएगा। मेरे अली ने इसलिए कहा था अन अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद। सकरान शाह जी बहुत बड़ा जुमला है, 1.25 लाख साहबा कराम की तादाद है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। कितने? 1.25 लाख। और मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, तमाम तबकात के लोग बैठे हैं, सुनिशिया, चैलेंज से कह रहा हूँ, भाई अकरम साहब जाओ मौलवियों के कुरान पे सर पे रख के पूछो कि अली के अलावा किसी और साहबी ने भी ये कहा कि मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ। मैं तवज्जो चाहता हूँ, किसी और का ये एतराफ़, ये स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगी। क्यों? अली ने खुद को गुलामे मुस्तफ़ा कह के, तवज्जो चाहता हूँ, अली ने खुद को गुलामे मोहम्मद कह के स्टेटस मुकर्रर कर दिया, मेयार मुकर्रर कर दिया। हर बंदे का काम नहीं है मोहम्मद का गुलाम होने के लिए, कम अज कम बंदे को अली होना शर्त है। सुभान अल्लाह। हर बंदा नहीं बना सकता खुद को गुलाम। बात करने से बड़ी आसान होती है, नौकर कहना बड़ा आसान है, साबित करना मुश्किल। शम्मा रिसालत के परवाने कहलाना बड़ा आसान है, मैदान जंग में मोहम्मद पे जान कुर्बान करना बड़ा मुश्किल। चार ही तो मौके हैं जहां पर पूरे साहबा कराम की महफिल में सन्नाटा था। पहला मौका, तवज्जो, माशाअल्लाह, दावते ज़लाशीरा, नबी ने उठ के कहा अय्युकुम अय्युवारिज़नी फी हाज़ल अम्र, कोई है जो मेरे अम्र में मेरा साथ दे, मेरा वजीर बने। सब चुप। 10 साल का बच्चा खड़ा हो गया, या रसूलल्लाह मेरा जिस्म कमज़ोर है, मेरी हड्डियां पतली हैं, लेकिन वादा करता हूं तेरे दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दूंगा। तेरे दुश्मनों की हड्डियां तोड़ दूंगा, वादा। दूसरा मौका, खंदक के मौका पर एक मलून ने आकर नबी अलैहिस्सलाम के खैमे मुकद्दस में नेज़ा मार के कहा, मोहम्मद कोई है तो निकाल। तवज्जो है, कोई है तो निकाल। तेरे मजहब में मरना शहादत है, बच जाना गाजी है। इनमें कोई शहादत का मुतमन्नी नहीं बैठा। खुदा की अजमत की कसम, पूरा मजमा चुप था। अली खड़े हो गए, अना नासिर का या रसूल अल्लाह। भाई तवज्जो है या नहीं है? मैं हाजिर हूँ भाई, और है माशाल्लाह। जागने की कोशिश करो। आप अली को डिग्रेड करके नमाजें पढ़ के कुछ नहीं ले सकते। नतीजा तुमने नहीं, खुदा ने देना है। और शाफे में शर कोई मौलवी नहीं, मोहम्मद होगा। तवज्जो है। और उसी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया था, जब चादर के नीचे बैठे थे और उसे ने कहा, नाना तेरी तवज्जो है, मैं आ सकता हूँ? अलैहिस्सलाम या वलदी व या शाफे उम्मती। ए मेरे लाल, बिस्मिल्लाह बुखारी साहब, और मेरी उम्मत की शफात करने वाले हुसैन आ जाओ। बदकिस्मती यही है। मलिक अकरम साहब कुरान में दो सूरतें, एक अल मुज़म्मिल, एक अल मुदस्सिर, दोनों कुरान की सूरतें हैं। तवज्जो है या नहीं? अल मुज़म्मिल कमली वाला, अल मुदस्सिर चादर वाला। अल मुज़म्मिल कमली वाला, अल मुदस्सिर चादर वाला। इसकी शायद बेचारे की मजबूरी है। सलवात पढ़ लो बुलंद आवाज से। तवज्जो है। अल मुज़म्मिल कमली वाला, अल मुदस्सिर मुज़म्मिल, नज़र खां कमली वाला। कमली इतनी मशहूर कर दी कि लोगों को कमला कर दिया। आप सो रहे हैं, मैं कुछ कह गया। इमरान बुखारी, कमली इतनी मशहूर की कि लोगों को कमला कर दिया। चादर इसलिए नहीं बताई क्योंकि वहां तन्हा था, यहां और भी थे। कमली बताई, चादर छुपाई, चूंकि कमली में तन्हा था उसको बता दिया। चादर को छुपाया इसलिए, चादर बताई तो चादर के नीचे वाले बताने पड़ेंगे। और वही चादर वाले थे जिनके बारे में अल्लाह का नबी कहता, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, ए मेरे परवरदिगार, बस यही मेरे अहले बैत है, बखासती यही मेरे मखसूस है, वहामती यही मेरे हामी है, लहमहम लहमी व दमहम दम्मी, इनका गोश्त मेरा गोश्त है, मेरा इनका गोश्त है। योलमनी मा योलमहुम। तवज्जो। सुभान अल्लाह। यहज़ुननी मा यहज़ुनहुम। तू उनसे मोहब्बत कर जो उनसे करे। सुभान अल्लाह। तू उनको रुला जो इनको रुलाए। अन हरबन लिमन हारबहुम। ए परवरदिगार तू सुन ले, मैं मुस्तफ़ा जिसने जिंदगी में कभी तलवार नहीं उठाई, मैं कह रहा हूँ मेरी उस हर बंदे से जंग है जो इनसे जंग करेगा। हर बन लेमन हार बहम, जो इनसे जंग करेगा मेरी उनसे जंग है। वसलमन लेमन सालमहुम, जो इनसे सुलह रखेगा मेरी उनसे सुलह है। तवज्जो। वादुवन लेमन आदाहुम। ए परवरदिगार, मुझे ये चीज़ें ज़ेबा तो नहीं थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरी उम्मत बात सुन ले, मैं उनसे दुश्मनी रखूँगा जो इनसे रखेगा। तवज्जो। अब मेरा सवाल है और ख़त्म कर रहा हूँ अपने बयान को, बैरोमीटर तो ये है कि जिससे मोहम्मद ने मोहब्बत की उसमें जान भी कुर्बान, सुभान अल्लाह। जिसने नहीं की वो हिसाब खुद दे, मैं उनसे जिम्मेदार थोड़ी हूँ। भाई सीधी सादी बात है। इसलिए मेरे नबी ने कहा था, और सुनो मेरा कलमा पढ़ने वालों, अपनी मोहब्बत और मवद्दत का मेयार खुद नहीं बनाना, वाले मैं युवाली ना, मोहब्बत उसी से रखना जो हम अहले बैत से रखे। वला काना कातिल अबी का, हमसे मोहब्बत करने वाला तुम्हारे बाप का कातिल भी हो तो बाप का कातिल कत्ल भूल जाना, हमारी मोहब्बत न भूलना। ओ मेरे उम्मतियों कान खोल के सुन लो, उसे नफरत करना, उसे अदावत करना जो इस घराने से करे, वला कान अभी का, इस घर से नफरत करने वाला तुम्हारा बाप भी हो तो उसे छोड़ देना। दस बस तमाश है मेरा, जिस मोहम्मद और उसके अहल बैत के लिए बाप को छोड़ा जा सकता है तो किसी के बाप को क्यों नहीं छोड़ा जा सकता। मोहम्मद समझ में आता तो मोहम्मद के घराने को रुलाया ना जाता। हाय हाय गजनफार भाई, भाई कमर तोड़ते हैं। आपने शायद गौर नहीं किया, हुसैन जैसा सैयदुस साबिरीन जब आवाज सुनी अब्बास की तो जुमला यही था, अलआन इनका सरजारी अब्बास, मेरी कमर टूट गई है। सुनिश्चिया तशरीफ फरमाओ। हंसने वालों से कोई नहीं पूछता तू क्यों हंस रहा है, रोने वाले से बंदे पूछते हैं यार तू क्यों रो रहा है। खुदा के लिए मौत का वक्त मुकर्रर है। मासूम का फरमान हदीस रिसालत है कि जब किसी जनाजे में जाओ तो तुम्हारे तसव्वुर में रहो ये हो कि मेरा जनाजा जा रहा है। तवज्जो करना, क्या हो रहा है, मेरा, चलते रहो तसव्वुर में, यही रहे। जब उस मैयत को लहद में उतारो तो तुम समझो मुझे उतारा जा रहा है, मुझे कफन बनाया जाए, मुझे दफन करा। और जब सब लोग वापस आ रहे हो और तू भी उनके साथ वापस आ रहा हो तो फिर खुद ये फैसला करना कि अल्लाह ने मुझे मोहलत दे दी है, अल्लाह ने मुझे मोहलत दे दी है ताकि मैं वापस पलट के ये जितने जनाजे तुम पढ़ के घर जा रहे हो अल्लाह तुम्हें मोहलत दे रहा है। नहीं पे उठाओगे फायदा तो कब्र में तो कोई काम आने वाला नहीं है। हाँ, इस घराने की मोहब्बत कब्र में भी काम आएगी, हश्र में भी काम आएगी। अल्लाह अकबर। पूछो क्या जुर्म है हुसैन इब्ने अली का? मदीना सारा मौजूद है, घर हुसैन ने क्यों छोड़ा? हाय 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 हाय। किबला सैयदी, हुब्बल वतन मिनल ईमान, मोहब्बत की वतन ईमान का हिस्सा है। और मदीने जैसा वतन हो जिसके लिए पूरी मिलत इस्लामियत तरसती है, तो हुसैन इब्ने अली ने एक नतीजा दिया है। सुनो, जब वतन में और दीन में, जब वतन में और इस्लाम में तकाबुल शुरू हो जाए फिर वतन छोड़ा जाता है, दीन नहीं। वतन छोड़ा जाता है, इस्लाम नहीं। हालांकि ये वही मदीना था जिसने कल आलम गुरबत में नाना को पनाह दी थी, और वही मदीना है जिससे हुसैन इब्ने अली रोते हुए जा रहे हैं, नाना मेरा आखिरी सलाम। आपका क्या ख्याल है? हुसैन मदीने से चला गया तो मोहम्मद मदीने में रह गए। कब्र से यही जवाब आया था, हुसैन मेरा मदीना वही है जहां हुसैन होगा। खत्म कर रहा हूं अपना बयान। 10 मुहर्रम को मुसलमान अपनी अपनी मसरूफियात मुयन करते हैं, हमने ये करना है, ये करना है, ये करना। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा भी फरमाते 10 मुहर्रम का दिन था, मैं नमाज जोहर के बाद सोई हुई थी, अचानक मैंने देखा कि नबियों के नबी के सर पे दस्तार नहीं है। दस्तार बलाल की जुल्फें खुली हुई है। जबकि बुका अन आलियन लम यतमालिक नफ्सा, और मोहम्मद इतना ऊंचा रो रहे हैं कि मोहम्मद को हिचकी लगी हुई है। सोच सकते तो सोचना। कुछ बातों को सुना जाता है, कुछ को महसूस किया जाता है। कलमा पढ़ने वालों महसूस करना, जब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा ने नबी को इस अंदाज से रोता देखा होगा तो क्या हालत हुई। बी फरमाती मैं तड़प के उठी और मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी ऐसी हालत कभी न बनाए, खैरियत है। फरमाया जे तो मिनल करबला वयल्तक़तु दम्मल हुसैन। ए सलमा, ए उम्मे सलमा, मैं करबला से आ रहा हूँ, मेरी जुल्फों में खाक इसलिए है मैं करबला की मिट्टी से हुसैन का खून इकट्ठा करता रहा। तो नबी ने यह सबक दिया कि 10 मुहर्रम को कहाँ जाना है। मेरी दुआ है मौला बेहक के सैयदुल शुहदा, मेरे भाई मेरे मोहतरम ज़ुल्फ़िकार अली ख़ान साहब लंगा, मौला उनके दर्जात बुलंद फरमा, मौला उनकी कब्र को रोशन और मुनव्वर फरमा। भाई गज़नफ़र साहब को इसमें शक नहीं है कि भाई का साथ बड़ा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे भाई आपके मौजूद हैं और हम इस उम्मीद से इस ख़ानदान के बड़े भी मौजूद हैं। आपको इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी भी भाई की कमी का एहसास नहीं होने देंगे, दुआ कर सकते हैं। मौला इस ख़ानदान के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। इस बारगाह मुक़द्दस में जितने बुज़ुर्गान मोमिनीन मोमिनात मदफून हैं उनके दर्जात बुलंद फरमा। किबला दीवान साहब मौजूद है, मौला उनको सेहत कुल्ली से सरफराज फरमा। तमाम हाज़रीन की हाजात शरिया को बराबर फरमा। सलवात बावाज़े बुलंद।